Hello everyone, welcome again to Lanbredeetiman. आज हम करने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत हमारी जो सेकंड यूनिट चल रही थी जिसमें हमने लास्ट वीडियो में व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से संबंधित जो विभिन्नताए हैं उससे संबंधित सभी प्रश्न जो हैं वो किए थे प्रैक्टिस की थी और नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया था कि बुद्धि से संबंधित जो है वह है आपका टेस्ट होगा आप लोग तैयारी जो है वो करके आए होंगे तो आज हम यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो आपका यूनिट थर्ड का होगा जिसमें पिछड़े बालक प्रति

तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कितनी तैयारी आप लोग करके आए हैं काफी टाइम जो है वो आपको मिल जाता है क्वेश्चन वन है व्यक्ति में निर्णय लेने तर्क करने तथा उपयोगी अनुपयोगी का चयन करने की योग्यता है अधिगम बुद्धि समायोजन या संप्रत्य निर्माण तो ये क्या कहलाती है तो देखिए बिल्कुल व्यक्ति में निर्णय लेने तर्क करने उपयोगी अनुपयोगी का चयन करने ये योग्यता क्या कहलाती है बुद्धि बुद्धि कहलाती है। वह योग्यता होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति विचार विमर्श करता है निर्णय लेता है नियंत्रण करता है और वातावरण में जो भी सिचुएशन होती है उनका शिकार नहीं बनता है सोच समझकर कार्य करता है ठीक है बुद्धि सीखने की क्या होती है योग्यता होती है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार कोई व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में उसमें अमूर्त चिंतन पाया जाता है ये डेफिनेशन किसकी है गैरिट की वैशलर की, टर्मन की या डियर बॉन्ड की तो आप लोगों ने याद किया होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से आती होगी ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एक लाइन में भी ये डेफिनेशन जो है वो कही गई है कि बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो देखिए जिन्होंने लगाया है टर्मन टर्मन के अनुसार कोई व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में उसमें अमूर्त चिंतन पाया जाता है ठीक है और इनका जो समर्थन है टर्मन का अमूर्त चिंतन में योग्यता का समर्थन जो है वह गैरिट ने भी किया है ठीक है याद रखना है पूछा जा सकता है अगला है क्वेश्चन थ्री बुद्धि को जन्मजात किस मनोवैज्ञानिक ने माना है किसने कहा है कि बुद्धि जन्मजात होती है मन ने कहा है हॉर्लॉक ने कहा है रॉस ने कहा है या पियाजे ने कहा है तो किसने कहा है कि बुद्धि जो है वह जन्मजात होती है तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा तो यहां पर आंसर जो रहेगा वो रहेगा रॉस रॉस कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है देखिए एक शब्द आता है ज्ञान तो ज्ञान और बुद्धि इन दोनों में अंतर होता है ठीक है बुद्धि जो होती है वो तो क्या होती है एक व्यापक शब्द है लेकिन ज्ञान जो है वो उससे कम है यानी सीमित होता है लेकिन बुद्धि के माध्यम से ही हम ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फोर बुद्धि में सीखने की योग्यता होती है यह किस मनोविज्ञानिक का कथन है तो हमने देखा अमूर्त चिंतन की योग्यता टर्मन का कथन था सीखने की योग्यता बुद्धि कहलाती है यह किसने कहा है स्टर्न टर्मन बंकी या क्रूज तो टर्मन के तो नहीं है ये वर्ड आप सोचिए इन तीनों में से कौन सा सही रहने वाला है आपका तो देखिए फटाफट से देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या है कि सीख बुद्धि सीखने की योग्यता है ये कहते हैं बंकिंगम ठीक है बंकिंगम क्या कहते हैं बुद्धि में सीखने की योग्यता होती है ठीक है वहीं अगर स्टर्न की बात करें तो स्टर्न की परिभाषा में स्टर्न कहते हैं कि बुद्धि में विभिन्न नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता होती है स्टर्न कहते हैं समायोजन की हो योग्यता होती है बुद्धि में और टर्मन क्या कहते हैं टर्मन कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वह है। हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही अमूर्त चिंतन की योग्यता है बंकिंग हम कह रहे हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है और क्रूज क्या कहते हैं क्रूज कहते हैं कि बुद्धि में विभिन्न नवीन परिस्थितियों में अच्छे प्रकार से समायोजन की योग्यता होती है ठीक है सामान्य समायोजन की बात तो स्टर्न ने की थी लेकिन अच्छे प्रकार से समायोजन की बात क्रूज करते हैं चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है बुद्धि के बिना व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती या बुद्धि का विकास वातावरण में होता है तो इनमें से पूछा है बुद्धि की विशेषता कौन सी नहीं है तो इनमें से सही आंसर जो है वो देखिए ये रहेगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है यानी कि लड़का और लड़की इन दोनों की बुद्धि में अंतर पाया जाता है ये बुद्धि की विशेषता नहीं होती है ठीक है और बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है मैंने आपको बताया बुद्धि जो है वो बहुत बड़ा व्यापक शब्द है जबकि ज्ञान क्या है सीमित दायरा होता है बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है बुद्धि के बिना व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है है ना और बुद्धि का विकास जो है वो वातावरण में ही होता है अलग अलग व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है चलिए नेक्स्ट है और जहां पर ऑप्शन ए की बात थी कि लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है तो नहीं होता है बुद्धि में अंतर जो है वो उसके उपयोग के आधार पर होता है कि कौन व्यक्ति जो है वो कैसी बुद्धि का उपयोग कर रहा है बुद्धि कितने प्रकार की होती है तो सामान्य तौर पर बुद्धि कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की चार प्रकार की बारह प्रकार की या दो प्रकार की तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी धारणाएं दी हैं कोई कहता है बुद्धि दो प्रकार की है कोई कहता है तीन प्रकार की है उसमें भी अलग अलग बताया गया है तो यहाँ पर सामान्य तौर पर यदि पूछा जाए कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है तब आपका जो सही आंसर रहेगा आप लोगों ने लगा लिया होगा आप लोग साथ में लगाते जाइए आंसर भी तो देखिए सामान्य तौर पर अगर बात करें तो बुद्धि तीन प्रकार की होती है कौन कौन सी मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि ठीक है मूर्त यानी कि गत्यात्मक या यांत्रिक बुद्धि 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 भी भी कहते हैं भी कहते हैं हैं जिसे जिसे अमूर्त हम शाब्दिक और सामाजिक बुद्धि ठीक है और इन तीनों की जो कि सामान्य बुद्धि के प्रकार हैं इन तीनों की बात जो है वो थौंडाइक और गैरेट भी करते हैं ये भी कहते हैं कि हाँ बुद्धि जो यही इन तीन प्रकार की होती है मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि कौन बात करते हैं थॉन्डाइक और गैरेट बुद्धि के सामाजिक मूर्त एवं अमूर्त प्रकार किसने बताए हार्बर्ड गार्डनर स्पीयरमैन थॉन्डाइक या थर्डस्टन बुद्धि के सामाजिक मूर्त अमूर्त प्रकार किसने बताए तो यहां पर देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि थॉन्डाइक और गैरेट गैरेट का नाम तो यहां ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ ऑप्शन जो है वो आपका सी सही रहने वाला है कि ये थौाइक जो है वो कहते हैं कि मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि होती है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन एट बुद्धि का वह प्रकार जिसके माध्यम से व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करता है सामाजिक बुद्धि है मूर्त बुद्धि है गत्यात्मक बुद्धि है या शाब्दिक बुद्धि है तो वह प्रकार जिसके माध्यम से व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करता है तो वो कौन सी बुद्धि होती है तो यहां पर जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक बुद्धि ठीक है यह बुद्धि का वह प्रकार है जिसके माध्यम से व्यक्ति वातावरण में क्या करता है एडजस्टमेंट करता है समायोजन स्थापित करता है नेक्स्ट है नाइन क्वेश्चन मूर्त बुद्धि को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था यांत्रिक बुद्धि गत्यात्मक बुद्धि उपरोक्त दोनों या शाब्दिक बुद्धि तो मूर्त बुद्धि को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो देखिए बुद्धि को हमने तीन प्रकार देखे मूर्त अमूर्त और सामाजिक ठीक है वहीं पर मूर्त बुद्धि जो है इसको हम क्या कहते हैं यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं और गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं ठीक है थीके? याद रखना है उपरोक्त तो दोनों ही इसका सही आंसर होगा ये बुद्धि का वो भाग होता है जो कि विषय वस्तु तथा उद्देश्य से निहित होने पर कार्य करता है उद्देश्य होता है और सामने जो है वह कोई भी कार्य जो है वो दिखाई देता है तो बुद्धि का यह प्रकार जो है वो यांत्रिक और गत्यात्मक ये दोनों ही कहलाता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन टेन बुद्धि के किस प्रकार के माध्यम से मोटर मैकेनिक मोटर ठीक करता है तो मैंने आपको बताया यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मोटर मैकेनिक मोटर ठीक कर रहा है तो ये बुद्धि का कौन सा प्रकार होगा सामाजिक स्थानिक मूर्त और आर्थिक तो यहाँ जो सही आंसर कौन सा रहेगा देखिए इतना सारा एक्सप्लेनेशन करती हूँ मैं तो आपको आंसर जो है वो फटाफट से ही आ जाना चाहिए माइंड में कि इसका आंसर क्या रहने वाला है तो यहाँ पर बिल्कुल आंसर क्या होगा मूर्त बुद्धि होगी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था नेक्स्ट है क्वेश्चन इलेवन बुद्धि के कौन से प्रकार को मृदुल बुद्धि भी कहा जाता है मूर्त शाब्दिक सामाजिक और गत्यात्मक तो मृदुल बुद्धि जो है वह भी किसे कहते हैं तो यहां पर यह आंसर जो है यदि आपको नहीं आ रहा है और कुछ ही इसको सही करते हैं तो देखिए आंसर है शाब्दिक शाब्दिक बुद्धि शाब्दिक बुद्धि को हम क्या कहते हैं अमूर्त बुद्धि भी कहते हैं ठीक है थीके? जिसमें सोचना विचारना जो है वो काफी हद तक होता है व्यक्ति के विचारों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कला जो है वही शाब्दिक बुद्धि मृदुल बुद्धि या अमूर्त बुद्धि कहलाती है ठीक है अभी मैंने आपको नाम बताए हैं इनके उपनाम। मूर्त बुद्धि के उपनाम क्या क्या बताए है? हैं प्रकार बताए हैं शाब्दिक बुद्धि और मृदुल बुद्धि ठीक है और तीसरा है सामाजिक बुद्धि बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति का किस वैज्ञानिक ने माना स्पीयरमैन ने बिने थॉन्डायक ने या थर्डस्टन ने तो दोबारा से देखिए इसको कि बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति का किस वैज्ञानिक ने माना है स्पियरमैन ने बिने ने ने या थर्डस्टन ने तो किसने माना है बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति तो यहां पर जो आंसर है वो है बिने ठीक है बिने ने बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति का माना है के अनुसार बुद्धि जो है उन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था ठीक है जहां पर बिने का समर्थन स्टर्न और टर्मन ने भी किया था आप लोगों को याद आया होगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया तो किसने दिया बिने ने दिया नेक्स्ट है बुद्धि के किस प्रकार के माध्यम से इंजीनियर अपने कार्यालय में बैठकर किसी मकान का प्रारूप बनाता है क्या कर रहा है यहाँ पर एक इंजीनियर अपने कार्यालय में बैठकर किसी मकान का प्रारूप बना रहा है सामाजिक बुद्धि है स्थानिक बुद्धि है मूर्त बुद्धि है या अमूर्त बुद्धि है तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा इतना सारा मैंने आपको बता दिया है और आप लोग याद भी करके आए हैं तो जो इंजीनियर है वो अपने कार्यालय में बैठकर किसी मकान का प्रारूप बनाता है तो ये किस में आएगा ये आएगा अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत ठीक है वो सोच विचार कर रहा है तो उसको वो विचारों के विचारों को अपने जो भी उसके विचार हैं उनको शब्दों के माध्यम से अव्यक्त कर रहा है तो यही कला अमूर्त बुद्धि कहलाती है किस मनोविज्ञानिक ने बुद्धि को असंख्य तत्वों से निर्मित बताया है किस मनोविज्ञानिक ने बताया है कि बुद्धि जो है वो असंख्य तत्वों से मिलकर बनी होती है थॉन्डाइक थर्डस्टन बर्नन या गार्डन गार्डनर ठीक है गार्डनर है ये डी ऑप्शन में तो बुद्धि को असंख्य तत्वों वाला किसने बताया है तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यह आंसर है बिल्कुल सही थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक ने बताया है थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया बुद्धि का ठीक है याद आया होगा जहां उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वह असंख्य तत्वों से मिलकर बनी होती है वो कहते हैं कि बुद्धि में सामान्य कारक नाम का तो कोई सत्ता होती ही नहीं है जो स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि जो है वह सामान्य और विशिष्ट कारक होते हैं जबकि थोड़ाइक ने क्या बताया कि सामान्य कारक नाम की तो कोई सत्ता होती ही नहीं है बुद्धि में असंख्य प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनके माध्यम से बुद्धि अलग अलग प्रकार से कार्य करती है ठीक है इनके इनका जो सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का इसको परमाणुवाद का सिद्धांत बालू का सिद्धांत ये भी कहा जाता है ठीक है याद रखना है इस चीज को सृजनशीलता की विशेषता नहीं है मौलिकता क्रोध जिज्ञासा और कल्पनाशील तो जो सृजनात्मकता का टॉपिक है वो भी आपके बुद्धि के चैप्टर से ही मिलता है और इसी इसी का पार्ट है है ये अलग से नहीं है। तो आपको आपने वाला चैप्टर भी याद किया होगा चलिए इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्रोध क्रोध जो है वह सृजनशीलता की विशेषता नहीं है जबकि मौलिकता जिज्ञासा कल्पनाशीलता ये सभी सृजनशीलता की विशेषता है संज्ञानात्मक विकास विकास का दिया? ता विकास का सिद्धांत सिद्धांत किसने किसने दिया? दिया? ऑप्शन है टर्मन ने जीन पियाजे ने मैरिल ने और कोहलर ने तो सभी बच्चों को इसका आंसर आता है एक का भी गलत नहीं है होगा क्योंकि सबको पता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया तो किसने दिया था आंसर क्या है इसका जीन प्याजे ठीक है जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता इसमें मौलिकता होती है नवीनता होती है बुद्धि है या असाधारणता है तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा कि सृजनात्मकता और बुद्धि दोनों अलग अलग हैं ठीक है ठीके? मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको अपसारी और अबसारी चिंतन के बारे में बताया था वहीं पर बताया था कि सृजनात्मकता जो है और बुद्धि ये दोनों अलग अलग होती है जहां हम अभिस चिंतन की बात करते हैं तो वो बुद्धि से संबंधित होती है और जहां हम बात करते हैं अपसारी चिंतन की ठीक है विभिन्न दिशाओं में जाकर सोचना तो वो सृजनात्मकता से संबंधित होती है वही सृजनात्मकता में मौलिकता होती है नवीनता होती है असाधारणता होती है ठीक है स्वप्न दृष्टि होती है सार्वभौमिकता होती है संवेदनशीलता होती है कल्पनाशीलता होती है दूरदर्शिता होती है ये किसमें होती है सृजनात्मकता में होती है नेक्स्ट है एटीन सृजनात्मकता की विशेषता है तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है सृजनात्मकता मौलिक व नवीन हो सृजनात्मकता कार्य उपयोगी हो सृजनात्मकता कार्य को समान रूप से मान्यता मिलनी चाहिए या उपरोक्त सभी तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी थोड़ा ही टाइम हुआ है जो मैंने आपको ये चीज जो है वो अभी समझाई है कि इसकी विशेषताएं जो है वो क्या है सृजनात्मकता क्या होता है अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का क्या सृजन करना निर्माण करना यही तो सृजनात्मकता होता है जहां कुछ भी नवीन जो है वो रचना होती है उत्पादन होता है तो यहां जो आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी ठीक है मौलिक नवीन सृजनात्मकता कार्य उपयोगी हो सृजनात्मकता कार्य को समान रूप से मान्यता मिलनी चाहिए तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं सृजनात्मकता के परीक्षण में किसका मापन करते हैं निरंतरता का लोचनीयता का मौलिकता का या उपरोक्त सभी सृजनात्मकता के परीक्षण में किसका मापन करते हैं निरंतरता का लोचनीयता का मौलिकता का या उपरोक्त सभी तो यहाँ सृजनात्मकता के परीक्षण में मापन जो है वह है निरंतरता, लोजनीयता और मौलिकता इन सभी का करते हैं ठीक है इसका मतलब क्या है कि सृजनात्मकता का मापन जो है वह संभव है और इनका मापन जो है वो सबसे पहले किसने किया था सृजनात्मकता के मापन का सबसे पहला सफल प्रयास किसने किया था गिलफर्ड ने किया था याद आया होगा आपको ठीक है जहां सृजनात्मकता का मापन जो है वो अपसारी चिंतन पर आधारित होता है ठीक है अभिसारी चिंतन पर तो बुद्धि आधारित होती है जबकि सृजनात्मकता का मापन जो है वो अपसारी चिंतन पर आधारित होता है सृजनात्मकता व्यक्ति में होती है तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता समस्या की व्याख्या की साधारण क्षमता दूसरों के विचारों को यथारूप में मानने की प्रवृत्ति उपरोक्त सभी तो इसका आंसर तो कोई भी गलत मत करना क्योंकि अभी मैंने आपकी विशेषताएं है, जो हैं वो बताई हैं सृजनात्मकता की तो एक व्यक्ति में इनमें से कौन सी हो सकती है ठीक है तो हर बार उपरोक्त सभी होता है तो आंसर जो है वो उपरोक्त सभी को देखकर नहीं लगाना है ऑप्शन जो है वो इसीलिए हमेशा पढ़ने हैं अच्छे से कि सृजनात्मकता व्यक्ति में होती है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता समस्या की व्याख्या की साधारण क्षमता दूसरों के विचारों को यथारूप में मानने की प्रवृति तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ रहेगा कि जो सृजनात्मकता व्यक्ति होता है वो दूसरों के विचारों को यथारूप में नहीं मानता है ठीक है उसके खुद के विचार होते हैं समस्या की व्याख्या जो है वो हमने अभी देखा कि असाधारण क्षमता जो है वह पाई जाती है एक सृजनशील व्यक्ति में तो यहाँ पर आंसर जो है फर्स्ट यही रहेगा कि तात्कालिक स्थिति जो होगी उससे परे जाने की योग्यता एक सृजनशील व्यक्ति में पाई जाएगी ठीक है तो ये आज आपका अंतिम प्रश्न था आप लोगों ने कितने सही किए हैं फटाफट से बताइएगा नेक्स्ट टेस्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है तो आप तैयारी करके आइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू